अरे क्या हूँ, कुछ बताएगा भी साहब? बहुत भूखा हूँ साहब, कुछ खाना मिलेगा? ए जरा दिखता नहीं साहब है, चल चल। ए भगा इसको यहाँ से। ए चल गुप्ता, ये पेड़ जाएगा, यहाँ से हम एक और गेट बनाएंगे, रेलवे स्टेशन और मार्केट दोनों और करीब, और मेरी बिल्डिंग के स्क्वायर फुट के भाव बढ़ेंगे। मुंबई का शंघाई बने या ना बने, लेकिन मेरी बिल्डिंग के स्क्वायर फुट के भाव न्यूयॉर्क से भी ज्यादा। साहब साहब कुछ खाने को दो ना साहब। जाओ ना यासी, साहब के पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। तो आओ ना, साथ मिलके भीख मांगते हैं। नॉट अ बैड आइडिया सर, बिजनेस प्रॉस्पेक्ट न्यू। शट अप इडियट, भगाओ इसको। शट अप, भाग जाए सर। अब सर सर एक्चुअली प्रॉब्लम हो गया उस पेड़ का सर। परमिशन मिलने में प्रॉब्लम है तो भाड़ में गई परमिशन। देख कल हमने रास्ते में पेड़ काटा। हाँ। हमारे पास उसकी परमिशन थी। हाँ। लेकिन रास्ते की पब्लिक ने क्या रुक कर हमको परमिशन पूछा, परमिशन देखा? नहीं सर। अरे यार आज पब्लिक को इतना टेंशन है, उनको एक पेड़ की कहाँ पड़ी है। कल दिन दहाड़े बिना परमिशन ये पेड़ कटवा दे, समझ गया? सर, आपने बोला पेड़ कट गया सर। चलो आज वो पेड़ काटना है। हाँ हाँ हाँ। आज किसी बाबा का जन्मदिन है क्या? रास्ते पे मुफ्त में खाना बांट रहे। तुम लोग वहाँ क्यों खड़े हो? आओ इधर आओ। अरे क्या कर रहे हो? गेट तो उधर है। क्या है ये? सिग्नल लगा लो। अरे क्या कर रहे हो? मेरे को मैराथन मैराथन। अरे ये समोसे खाइए और ये कोल्ड ड्रिंक्स पीजिए, एकदम फ्री है। ये फ्री है? फ्री है। और ले लो और ले लो और ले लो ले लो। अरे पेड़ छोड़, फ्री मिल रहा है, ले लो। आओ मेरे को और एक ग्लास दे दो। अरे अरे दे। अरे लीजिए और लीजिए। चलट कम ऑन जॉनी, कम ऑन जॉनी, आगे से लीजिए। सिल्वर मेडल तेरा ही है, गो जॉनी। हां सिल्वर मेडल तुम्हारा ही है। मेरे था तो ऐसे ही दिखते रहे पहली बार जैसा। ऐसे मुंह पे मारूंगा ना, फेंक के चुपचाप खा। पॉकेट में मिल रहा है फिर भी नाटक कर रहा है। अरे तुम लोग यही खड़े रहोगे क्या? जाओ भागो, हमारे साथ जीतनी है। अरे लेकिन कहाँ भागना है? अरे तुम लोगों ने स्टॉल से खाया पिया ना? हाँ। तो इसका मतलब तुम लोग मैराथन में हो, आगे और भी स्टॉल्स मिलेंगे। हाँ। मुफ्त में खाना मिलेगा। हाँ? हाँ? आगे मुफ्त में खाना मिलेगा। अगर काम पर नहीं गए ना तो साहब हमें मुफ्त में मारेंगे। अरे सिर्फ दो लोग हैं तुम्हारे आगे। हाँ। अगर ब्रॉन्ज मेडल लाओगे तो सब खुश हो जाएंगे। ब्रॉन्ज मेडल? या मुफ्त में खाना, ब्रॉन्ज मेडल, सब खुश। चलो कहाँ जा रहे हो? मैराथन, ब्रॉन्ज मेडल, हम भाग भाग के पेड़ के पास जा रहे हैं। गेट तो वहाँ है। हाँ तो उधर ही जा रहे थे भाग भाग के। अच्छा क्या है ना, हम वही जा रहे थे, ये बच्चे हमें वहाँ से भगा रहे हैं। कौन से बच्चे? ये देखो बच्चे कुछ है। ये क्या है, कहाँ भगा रहे इनको? तो तुम लोग मैराथन में नहीं हो? हम तो पेड़ कटने वाले हैं। मैराथन, ब्रॉन्ज मेडल। चुपे। कमाल है अंकल, ये लोग ऐसे कपड़ों में, तो हमें लगा ये मैराथन में होंगे, इसलिए हमने इन्हें समोसे और कोल्ड ड्रिंक्स दे दिए। वैसे समोसे और ड्रिंक्स फ्री है, आप भी लीजिए ना। हाँ लीजिए लीजिए लीजिए। हाँ या या अच्छा, थैंक यू। चलो चलो काम पे लग जाओ अभी। चलो चलो चलो। थैंक गॉड गुप्ता से तो बच गए। ए चंपू, अगर स्टॉल से कोल्ड ड्रिंक पी लेता तो ऐसे नाटक नहीं करता। कोल्ड ड्रिंक पीने से तो करण ने मना किया था, वैसे ऐसा मौका मैं छोड़ता हूँ क्या कभी? करण, तूने अपनी टीम को छोड़ के दूसरों को मुफ्त की कोल्ड ड्रिंक पिलाए। करेक्ट। चुप यार, कटस को भगाने का प्लान तो फेल हो गया, अब हम ट्री को कैसे बचाएंगे? हेलो, हाँ हाँ बख्शी साहब, नहीं नहीं माल तो आ गया। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 मैंने खुद उतार के लिया।
हाँ सब ठीक ठाक, हाँ आज कट जाएगा। हाँ ए क्या हुआ? कुछ नहीं सब, कुछ नहीं, कर रहा हूँ कर रहा हूँ। ए, तू नीचे क्यों आ रहा है? अभी नीचे आएगा तो काम कौन करेगा? अरे उतर। ए, कहाँ जा रहा है? जानने सब बहुत जरूरी है। पेड़ कटना ज्यादा जरूरी है, ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। ए, अरे सुन, ए, कहाँ जा रहा है? हर दिन का नाटक है इसका। तेरा तो कुछ नाटक नहीं ना? क्या साहब? ओके एकदम ओके, अपुन तो सुबह सुबह ही साहब, मैं तो सुबह सुबह हल्का हुआ था, प्रेशर बढ़ गया। नहीं तो ये प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर इनका बढ़ता है, हवा मेरी निकलती है। करण तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, क्या हो रहा है? एक आदमी के लिए 10 बूंद काफी है, पेट की बहुत तेज दवाई है, संभाल के काम करना। ये ले। सवेरे से मेरा टाइम खराब कर दिया, यूजलेस यूजलेस। पता नहीं मैं भी सवेरे सवेरे से क्या खाते रहता हूँ, पीते रहता हूँ। ए, तुम लोगों ने कितनी दवाई डाली? रावण ने कहा था 10 बूंद काफी है, 2 आदमी है तो इतना ठीक रहेगा। अरे यार उसने 10 बूंद बच्चों को सोचकर कहा होगा। तू ऐसा कर, पूरी बॉटल डाल दे। पूरी बॉटल? अबे बाहर आ जा, अरे बाहर आ जा मेरे राजा, अबे मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, बाहर आ जा। बहुत जोर की लग रही है, बाहर आ जा। अभी तक इधर ही है, जाओ उधर पेट काट जा। मालिक मुझ पे जुल्म मत करो, एक बार तो अंदर बाहर आ जा। मैं साहब हूँ, मैं पहले अंदर जाऊंगा। जाओ जाओ, अबे बाहर आ जा। तो तू आ जा बाहर, देख। एक मिनट। हाँ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुप्ता जी चलिए हम सब मंदिर जा रही हैं। नहीं नहीं मैं इस वक्त सिर्फ एक ही जगह जा सकता हूँ और वो मंदिर नहीं है। ये आवाज कैसी? वही कर रहा हूँ ना यार, यहाँ अलग अलग आवाजें आ रही है। गुप्ता जी मैं कहता हूँ तुम यहाँ से चली जाओ। गुप्ता जी मेरी बात तो सुनिए, कल रात सपने में गणेश जी ने कहा कि मेरी शादी जल्दी होने वाली है, मुझ पर प्यार का चमत्कार होगा, आप भी मंदिर चलिए, आपका भी भला होगा। नहीं अगर तुम यहाँ से चली नहीं गई तो मेरी भलाई फटकर बाहर आ जाएगी। जाओ ना मेरी माँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। जाओ 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 बाहर आ जा। अब तक हुआ नहीं, अभी तक बैठा अंदर। ए, तू बाहर आ जा, मैं तो नौकरी से निकाल निकाल दूंगा। राव साहब घर परिवार वाला हूँ, नौकरी से मत निकालूं। मैं ये पकड़ के रखता हूँ, वो जैसे बाहर आएगा ना हवा बाहर जाएगी, अब अंदर जाना। आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आ गया हवा भी आ गई। एक मिनट, जाओ हवा जाओ हवा जाओ हवा जाओ, अंदर जाओ अंदर जाओ। तू मरेगा, तू मरेगा। बेचारा गुप्ता आधे घंटे तक चिल्लाता रहा और जब तक बाथरूम खाली हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और लड्डू ने भी तो जान लगा दी गोल गोल भाग कर। चलो मैं चलता हूँ, वो प्रिया को उसके प्रोजेक्ट के लिए हेल्प चाहिए तो उसके लिए लाइब्रेरी जाना है, ठीक है? अब प्रिया ने बुलाया तो जाना ही पड़ेगा। ओए चुप। ए हट। हेले करण, यू नॉट हेल्पिंग मी। हाँ बता ना, बता। तुम्हें मेरा प्रोजेक्ट तो पता है ना? मुझे अपना प्रोजेक्ट भी नहीं पता। सी आई एम इंटरेस्टेड इन जापानीज हाउसेस बिकॉज़ दे आर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। किसने बताया? अरे 1998 में जापान में बहुत बड़ा भूकंप हुआ था लेकिन एक भी मकान नहीं गिरा, पता है तुम्हें? 1998 नहीं यार, उस वक्त तो मैं इंडिया में ही था। करण बी सीरियस, मुझे इन घरों के रॉ मटेरियल्स के ऊपर रिसर्च करना है।
न्यूज़पेपर वाले सेक्शन में चले? चलो चलो। नेशनल अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट श्री सुधीर आप्टे इज मिसिंग फ्रॉम हिज रेसिडेंस एट प्रताप नगर नागपुर। इफ एनीवन नोज हिज वेयरअबाउट्स प्लीज कॉन्टैक्ट द नियर बाय पुलिस स्टेशन। बाबा प्लीज फॉरगिव अस एंड रिटर्न होम। योर्स विनोद। आओ आओ। मैंने सुना है नागपुर संतरों के लिए मशहूर है। हाँ मैंने भी सुना है वहाँ संतरे अच्छे मिलते हैं। कैसी जगह है नागपुर? सुना है बहुत गर्मी होती है। मुझे नहीं मालूम। प्रिया का काम हो गया? यहाँ मुंबई से नागपुर कितना दूर पड़ता है? ये नागपुर नागपुर क्या लगा रखा है, वहाँ संतरे खरीदने जाना है क्या? तुम नागपुर छोड़कर मुंबई क्यों आए? देखो तुम्हारा बेटा कितना परेशान है। एक बार पढ़ो तो। वो माफी मांग रहे हैं। तुम वापस अपने फैमिली के पास जाओ। क्यों ऐसे अकेले रहते हो रास्ते पर? रास्ते पे रहता हूं, अपनी मर्जी से रहता हूं। तुम बच्चे हो अभी नहीं समझोगे। दोबारा ये बात कभी नहीं करना। सर गुप्ता तुम गधे नहीं? नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, तुम तो गधों के किंग हो, गधों के सरदार हो। राइट सर। साले दो तीन बच्चे मिलकर तुझे बेवकूफ बना गए, एक दिन और वेस्ट हो गया और वो पेड़ वैसे के वैसे ही खड़ा है। सर वो बच्चे इतने शैतान है, मैंने सोचा भी नहीं था। बहुत तकलीफ थी सर, बहुत तकलीफ थी। बट सर मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, जल्द से जल्द पेड़ काटने की परमिशन मिल जाएगी। परमिशन? यस सर। अरे बिल्डर लोग परमिशन की वेट करते ना तो मुंबई का एक पेड़ नहीं कटता। राइट सर। देख आज रात को सोसाइटी के सब लोग सो रहे होंगे, वो बच्चे भी सो रहे होंगे, रातों रात तू वो पेड़ को काट दे, हम पे कोई शक भी नहीं करेगा। We love nature. सर जबरदस्त आइडिया सर। समझो आज रात कोई पेड़ कट गया। चलो चलो जल्दी, आज रात कोई पेड़ का काम तमाम करते हैं। हाँ। रात को यहाँ पुलिस क्या कर रही है? साहब वहाँ देखो कुछ लोग खड़े हैं। आज मैं तेरा एनकाउंटर करके ही डालूंगा। क्या लपड़ा यहाँ पे? तू जानता नहीं तू किसके सामने खड़ा है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भैया नायक के सामने। अखा मुंबई पुलिस में मेरा बट है। अब तक 56 एनकाउंटर कर चुका हूँ डेढ़ फुटिए। ये पुलिस इनकाउंटर का मसला है, वहाँ खतरनाक पुलिस इंस्पेक्टर भैया नायक है। चलो साहब यहाँ से पतली गली से चलते बढ़ते हैं। नहीं नहीं यहीं पे छुपते हैं। ये यहाँ से जाने के बाद हमें पेड़ काटना है। अरे बाप रे भागो, चलो चलो। चुपचाप वरना गोली खाओगे। इतनी रात गए कुल्हाड़ी लेकर क्या कर रहे हो? नहीं कहीं नहीं, इधर इधर ही पेड़ काटने जा रहे थे। अच्छा तो पेड़ का एनकाउंटर? क्या मजाक कर रहे हैं साहब, पेड़ में भी जान होती है। अच्छा तो पेड़ काटना कैंसल। गुड नाइट साहब। रुक जा, तुम लोगों ने सब कुछ देख लिया, अब तुम लोगों को ठोकना ही पड़ेगा।